हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी यहाँ पे एलएनटी की तरफ से, लार्ज देन टुब्रो की तरफ से बम्पर भर्ती का। ये एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन रहेगा जहाँ पे बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा। पास आउट ईयर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 2024 में पास आउट होने वाले हैं तो भी एलिजिबल हैं। 2024 से पहले पास आउट हो चुके हैं और आप फ्रेशर हैं तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मांगा है, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं, बीबीटेक कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं, एमईएमटेक कर रखा है आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। आईटीआई वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई भाई बहन आईटीआई किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करके डायरेक्टली स्किप करके जा सकते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई बात की जाए यहाँ पे पोजीशन के बारे में, तो यहाँ पे पोजीशन रहेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का, डीटी के पदों के लिए वैकेंसी है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का, साथ ही साथ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे फटाफट बात कर लेते हैं अप्लाई प्रोसेस के बारे में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो। टारगेट जो हमने रखा है वीडियो के लाइक का वो आपका रहेगा 1200 प्लस का। टारगेट आपको कंप्लीट करवाना है और अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुँच सके जो यहाँ पर एलिजिबल है। और एक काम करना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बताना कि आपकी ब्रांच कौन सी है, ट्रेड कौन सा है, पास आउट ईयर कौन सा है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस होल्डर हो, साथ ही साथ कौन सी लोकेशन पे अभी आप जॉब को सर्च कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप मेरे को बता देते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर वही अपडेट भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो आपने कमेंट बॉक्स में बता रखा है। एंड टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेना। देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल के दो लिंक आपको प्रोवाइड करवा रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। पहला लिंक रहेगा, उसके अंदर मैं रिजल्ट पोस्ट करता रहता हूँ जो बच्चे हमारे चैनल के थ्रू जॉब को लगे हैं। दूसरा जो चैनल का लिंक रहेगा उसके अंदर आपको उन टाइप की जॉब्स का अपडेट मिलेगा जो कि अक्सर मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाता। तो जाके दोनों चैनल को ज्वाइन कर लेना, सीट यहाँ पे लिमिटेड रहेगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाले आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म के थ्रू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सभी प्लेटफॉर्म की वैकेंसी को हम डिस्कस करेंगे। पहला प्लेटफॉर्म आपका रहेगा यहाँ पे लिंक्डइन। तो अगर आपने लिंक्डइन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लेना। देखिए लिंक्डइन पे आईडी क्रिएट करने का बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आप डायरेक्टली एचआर से बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे किसी भी जॉब का रेफरेंस ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। जब आप लिंक्डइन पर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, एक बढ़िया प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, जैसे कि प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो जाके डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। और अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको टोटल पूरा प्रोसेस बता दूंगा कि यहाँ पर आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल को कैसे क्रिएट करना होता है। चलते हैं सीधा वैकेंसी की तरफ। यहाँ पर आपका जो रहेगा कंपनी एलएनटी पावर देखने को मिलेगा, पावर सेक्टर की कंपनी यहाँ पर रहने वाली है। और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। इसके अंदर आपका पोजीशन रहेगा डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का। अगर आपने बीबीटेक कर रखा है या फिर एमईएमटेक कर रखा है तो आपके लिए आगे वैकेंसी है इसी वीडियो के अंदर जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। और यहाँ पे जॉब लोकेशन आपका रहेगा वडोदरा का, गुजरात का जॉब लोकेशन रहेगा। और यहाँ पे आपका हजारिया गुजरात का जॉब लोकेशन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने अप्लाई लिंक दे रखा है, आपको दिख रहा होगा। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा 21 सितंबर 2023, इसका लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। ऊपर ऊपर कंपनी का ब्यौरा दे रखा है तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हम डिस्कस नहीं करेंगे। ब्रांच यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस और आईटी, ये सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज क्राइटेरिया भी फिक्स किया है, जैसे कि यहाँ पे अगर आपने 10वीं कर रखा है तो 10वीं में आपके 60% होने जरूरी है। 60% का क्राइटेरिया 10th में कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मेरे भाई तो आपका यहाँ पे 58% आपके होने चाहिए डिप्लोमा के अंदर, ठीक है। तो पिछली बारी जो निकला था 2022 के अंदर फॉर्म, उसके अंदर इन्होंने 65% रखे थे, ठीक है, 65% 2022 में रखे थे, लेकिन इस बार इन्होंने परसेंटेज को कम कर दिया डिप्लोमा के। तो यहाँ पे 58% भी अगर आपके डिप्लोमा में बन रहे हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया भी बिल्कुल फिक्स किया गया है, 18 साल से लेकर 23 साल का एज यहाँ पे रखा गया है जो कि आपका रहेगा 1 जुलाई 2023 तक आपका एज क्राइटेरिया यहाँ पे काउंट होने वाला है।
ठीक है। अब बात कीजिए मेरे भाई, यहाँ पे जॉब लोकेशन इन्होंने मेंशन कर दिया कि सितंबर इसका लास्ट डेट रहेगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस पर आपको मेरे भाई क्लिक करना है, जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसा टैब ओपन होगा, डिप्लोमा इंजीनियर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट नाउ वाले बटन पे, आपके सामने डायरेक्टली टोटली ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। जहाँ पे स्टार मार्क दे रखा है वो आपका मैंडेटरी रहेगा, ठीक है। मैंने बहुत सारी वीडियो में भी बता रखा है, तो आपका नाम आ जाएगा, कैंडिडेट नेम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपके आ जाएंगे, ईमेल आईडी आ जाएगी। तो ध्यानपूर्वक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को फिल करिएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम आ जाता है जहाँ से आपने डिप्लोमा कर रखा है, आपका डिसिप्लिन कौन सा है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, जो भी ब्रांच है उसको फिल कर दीजिएगा। दसवीं में कितने परसेंटेज है उसके बारे में आप डाल सकते हैं, पास आउट ईयर कौन सा है, बारहवीं अगर आपने कर रखा है तो उसको डाल सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं। कोई भी स्टार मार्क यहाँ पे नहीं दे रखा। परसेंटेज अगर आपने ट्वेल्थ में कर रखा है तो उसके डाल सकते हैं, नहीं तो उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने आईटी कर रखा है तो उसके परसेंटेज डाल सकते हैं, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। पास आउट ईयर क्या है उसके बारे में डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा कर रखा है तो आप अपना डिप्लोमा का यहाँ पे जो भी है, ठीक है, ईयर ऑफ स्टार्टिंग, कब आपका डिप्लोमा स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कंप्लीट कब हुआ था, परसेंटेज कितने बने थे, ये एक नॉर्मल सा फॉर्म है, बैकलॉग है कि नहीं है उसके बारे में डाल दीजिएगा। देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर देता हूँ कि अगर आपकी बैकलॉग बनी है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जीरो ही फिल करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने पहले कभी एलएनटी में इंटरव्यू दिया है कि नहीं दिया, यस और नो में आंसर कर सकते हैं। सारा फॉर्म यहाँ पे नॉर्मल सा है, सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरे भाई कुछ और वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी निकाली गई है एलएनटी की तरफ से, और ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा naukri.com एप्लीकेशन के थ्रू। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का फॉर्म है, इसके अंदर किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपका अलग अलग देखने को मिलेगा, जिसमें आपका कर्नाटका का जॉब लोकेशन रहेगा, तमिलनाडु का जॉब लोकेशन रहेगा, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे बेंगलुरु का जॉब लोकेशन रहेगा, वडोदरा गुजरात का जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 300 वैकेंसी निकाली गई है इसके अंदर, तो अगर आप अप्लाई करने के इच्छुक हैं तो अप्लाई कर दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन कर रखी है। पास आउट ईयर यहाँ पे 2022 और 2023 वाले अप्लाई कर सकते हैं, 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने रखा है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है ब्रांचेज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिपल ई वाले अप्लाई कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ब्रांच एलिजिबल है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, और मैकेनिकल वाले भी एलिजिबल है, और अगर आपने CSIT में डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे इन्होंने लिंक भी प्रोवाइड करवा रखा है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। सिलेक्शन जो आपका रहेगा, आपका यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा, डोमेन टेस्ट होगा, ठीक है, और टेक्निकल इंटरव्यू आपका रहेगा। तीन पार्ट के अंदर यहाँ पर सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, जॉब ट्रेनिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ये सब कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करवा के देगी। फुल टाइम परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ऊपर अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। अब ये नेक्स्ट वैकेंसी रहेगी, यहाँ पे आपका पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एलएनटी की तरफ से निकाली गई है, जॉब लोकेशन सेम रहेगा, 6.5 लाख रुपए पर एनुअल यहाँ पे स्टार्टिंग आपका रहेगा। बाकी डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा जाता है, किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे इन्होंने नहीं मांगा। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए कि अगर आपने एमटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, 60% के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एक बढ़िया मौका है परमानेंट जॉब पाने का। और यहाँ पे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है और टेक्निकल इंटरव्यू राउंड आपको देखने को मिलेगा। फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगा, अप्लाई कर दीजिएगा। ऊपर अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू वैकेंसी जो निकाली गई है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और मैंने डायरेक्टली इनके कैरियर वाले पेज को ओपन कर लिया है। आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन पोजीशन का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, उसके नीचे दिखेगा यहाँ पे ऑल करंट ओपनिंग का, आपको इस पर करना है क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होगा, एकदम स्क्रॉल डाउन चले जाना है, और यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी निकाली गई है सारी आपको देखने को मिलेगी अलग अलग। यहाँ पे सेक्टर के अंदर वैकेंसी देखने को मिल जाती है, लेकिन आपको एकदम नीचे आके यहाँ पे एक्सप्लोर ऑल जॉब्स का बटन है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने वापस से एक न्यू टैब ओपन होगा, आपको कुछ ही नहीं करना, बस मैं आपको यही लिंक जो मैंने अभी इसको ओपन कर रखा है, यही लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले वीडियो अच्छे से देख लीजिए, अप्लाई करने के प्रोसेस को समझ लीजिए, फिर खुद अप्लाई करने का ट्राई करिएगा। और यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन है, आपको फिल्टर को लगाना पड़ेगा। फिल्टर में मैंने क्या लगा रखा है, मैंने लगा रखा है मैक्सिमम एक्सपीरियंस के अंदर मैंने 1 साल डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने टैब ओपन होगा, और यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए मैंने 1 डाला है, तो आपको यहाँ पे 1 पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपके सामने ही आ जाएगा
ठीक है। तो यहाँ पे एक साल की जितनी भी वैकेंसी सारी आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर 2024 वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है 2024 में पास आउट होने वाले हैं, बीबीटेक कर रखा है, एमएमटेक कर रखा है 2024 में पास आउट होने वाले हैं, वो सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। देखिए जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का वैकेंसी है, जॉब कोड दे रखा है, डिफेंस के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, 7 सितंबर ये वैकेंसी पब्लिक की गई है, जल्दी एक्सपायर हो जाएगी। तो इसका कोई भरोसा नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मैं इसको 2-3 दिन बाद अप्लाई करूंगा, अभी मेरा काम है। तो फटाफट जाके इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो बेसिक स्किल मांगा है, एमएस ऑफिस आपको आना जरूरी है। अगर आपका एमएस ऑफिस आता है तो आपका 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका रिज्यूम यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा। किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। इसके अलावा यहाँ पे बात की जाए, नीचे आपको अप्लाई का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीबीटेक किया है किसी भी ब्रांच में, आप एलिजिबल है। ऑल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। 2024 वाले कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 2023 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 2022, 2020, 2019, 21, 18, 17 सारे कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। और यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है प्रोजेक्ट ट्रेनी की पोजीशन के लिए, ये वैकेंसी रहेगा 31 अगस्त को पोस्ट आउट की गई है, तो वैकेंसी जल्दी एक्सपायर हो जाएगी, इसको अप्लाई कर देना। किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, एमएमटेक कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है, किसी भी ब्रांच में आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है आपका की स्किल क्या रिक्वायर्ड है, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। हम अप्लाई करने का तरीका जानेंगे जेईटी के पोजीशन के लिए, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए। इसके अलावा मैं आपको एक और बता देता हूँ, जेईटी की पोजीशन पहले भी निकली थी यहाँ पे, जो कि 31 अगस्त को निकली थी। अगर आप इसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे जेईटी की पोजीशन, वो 7 सितंबर को निकाली गई है। रिसेंटली वैकेंसी पोस्ट आउट की गई है और हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई कर रहे हैं 7 सितंबर की वैकेंसी को। अप्लाई वाला बटन है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करेंगे, ओके वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है, आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है तो आपको अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और रिमेंबर मी वाले पे क्लिक करके साइन इन कर लेना है, मतलब कि आपको इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर आपने पहले अप्लाई कर रखा है तो आपका कैरियर वाले पेज पे आपका आईडी क्रिएट होगा। और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे एक रजिस्टर वाला बटन है, ठीक है। तो आपको अपने अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, एक टैब ओपन हो जाएगा। तो आपको अपना नाम डालना है, आपकी ईमेल आईडी डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड आपको सेलेक्ट करना है, बनाना पड़ेगा पासवर्ड आपको, और साइन इन वाला बटन है, साइन अप वाला, इस पर क्लिक करके साइन अप कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद आपका कैरियर वाले पेज पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको जॉब दिखेगा, उस जॉब पे क्लिक करके जेईटी का पोजीशन रहेगा वहाँ पे, और उसके सामने अप्लाई का बटन मिलेगा, तो अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको अप्लाई कर देना, समय बहुत कम है, ऐसा मत सोचना कि मैं 2-3 दिन बाद अप्लाई करूंगा। वीडियो के अंदर मैंने पूरा आपको समझा रखा है, फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, कुछ पूछना रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा है, कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।